हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लिए आऊँगा एक और नई कस्टम रोम फॉर रेडमी 4। ये हमारी MIUI बेस्ड कस्टम रोम है। चलिए यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे इसकी। ये सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आप देखते हैं हमारी डिवाइस है MIUI NSA रोम है हमारी, है 20.5.14 वर्जन पोर्टेड बाय रिजी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर का नाम। यहाँ पे ऑल स्पेसिफिकेशन देते हैं क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी देखने के लिए। 3 GB रैम है मेरे डिवाइस का और 1.4 GHz प्रोसेसर है। एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें 9 मिल जाएगा देखने के लिए। बिल्कुल ओके वर्किंग है। एंड्रॉयड 10 का भी यहाँ पे आ चुका है। MIUI 12 बेस्ड, वो आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। एंड सिक्योरिटी पैच आपको इसमें 2020 का मिल जाएगा 5 का। चलिए इसके फीचर्स देते हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे MIUI 12 बेस्ड कस्टम रोम में। आप देख सकते हैं MIUI 12 पे ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारा पीछे से बैकग्राउंड आपको ब्लर मिलेगा इसमें देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है ये सारा। ये आप देख सकते हो हमारा कंट्रोल पैनल है, ये सारा आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग लुक आती है आपको अंदर देखने के लिए। चलिए उसमें फीचर्स की बात करते हैं क्या आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए और क्या क्या चेंजेस है इस वाली में। और इसमें जियो की बात करूँ, इसमें जियो बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जियो में हमारी। यहाँ पर मैं डाटा स्विच कर देता हूँ अभी। 12 वोल्ट नहीं मिलता आपको इसके अंदर, दिखा रखा 12 4G पर वर्क नहीं करता ये। मैंने टेस्ट के लिए यहाँ पे हमारा वोल्ट भी बिल्कुल ओके वर्क है, कोई दिक्कत नहीं मिलने की आपको वोल्ट में। यूज़ वोल्ट फॉर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, वैसे आपको दिखा रहा क्या है वर्क नहीं कर देंगे 12 वोल्ट ही वगैरह। इसमें हमारा इंटरनेट बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं मिलने की आपको इसमें। टॉर्च वाइब्रेशन सब कुछ ओके वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शुरू से में आपको दिक्कत मिल सकती है, मैं आपको बताता हूँ अभी आगे डिटेल में क्या आपको क्या होता है जब हम क्या करते हैं, सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आप देखते रहना पूरी वीडियो। चलिए यहाँ पे वाईफाई की बात करें, यहाँ पे वाईफाई हमारा बिल्कुल ओके वर्किंग है। कभी कभी ये हो जाता है कि हमारा वाईफाई वर्क नहीं करता है जब आप ये रोम फ्लैश करते हो, वाईफाई और हॉटस्पॉट वर्क नहीं करता। तो आपको आपको शुरू में क्लीन फ्लैश करना है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन फ्लैश करना। अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करोगे तो आपको वाईफाई का बग मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, जो कि बाद में रिफ्लैश करने के बाद हटता नहीं है वो। तो आपको पहले सिर्फ क्लीन फ्लैश करना है, डाटा डूटा सब कुछ क्लीन कर देना है। यहाँ पे वाईफाई मैं आपको फिर भी चेक कराता हूँ, यहाँ पे तो बिल्कुल ओके वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉटस्पॉट यहाँ पे बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉटस्पॉट हमने एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे इजीली वर्क कर रहा है हॉटस्पॉट, कोई दिक्कत नहीं मिलने की आपको हॉटस्पॉट में। हमने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया है, उसमें एक वर्क मिल जाएगा ये हार्डवेयर बटन वर्क नहीं करते, फिर आपको नेविगेशन बार ही वर्क करेंगे। मैंने सारी जगह चेक कर लिया था, मिले नहीं थे मेरे को। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अलग अगर आप क्लीन फ्लैश करोगे तो आपको हमें बग नहीं मिलेंगे, अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करोगे तो आपको हमें बग 100% मिल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना। अगर आप MIUI से आ रहे हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इससे ऊपर वर्जन पे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, वही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल सेम बिजली वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं मिलने की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। आपको स्टाइल में आपको चेक कराता हूँ, स्टाइल वर्क करते हैं नहीं करते, ये आपको स्टाइल मिल जाएंगे। चलिए हम अप्लाई करके देख लेते हैं, ये देख सकते हो आप इजीली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑन रहेगा हमेशा, ऑफ नहीं होने का, बस थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा पिएगा, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बैटरी पीता है। लॉक स्क्रीन फॉर्मेट आपको वही सेम मिलेगा सारा, ये देख सकते हो। इसमें मुझे नेविगेशन बार की दिक्कत लगी है इसमें, बहुत ही छोटा सा एक पे है और हमारे हार्डवेयर बटन्स बंद कर दिए इन्होंने। यहाँ से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चलते हैं, आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट ऑफिशियल लो दोनों मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। पहले हम फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं कितना फास्ट है हमारा फिंगरप्रिंट। गोट इट, यहाँ से हम लगा लेते हैं 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वाइब्रेशन में भी वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ पे हमने लगा लिया है। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, टाइप करा, इसकी स्पीड काफ़ी ठीक मिल जाएगी आपको, एवरेज से काफ़ी ऊपर है। बस पक्की थोड़ी सी स्लो लगी है मुझे यहाँ पे, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी MIUI 11 से थोड़ी सी बहुत स्लो आया है। यहाँ पे फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं हम, ये थोड़ा सा हीट हो रहा है हमारा डिवाइस, मैंने कुछ भी ज़्यादा चलाया नहीं, अभी थोड़ा सा हीट होने लग गया है यहाँ पे डिवाइस। बस नेट ऑन है मेरा 4G और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे कैमरा फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं कितना फास्ट है हमारा फेस अनलॉक, ऐसे लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। चलिए चलिए मैं फेस लगा लेता हूँ यहाँ पे पहले, यहाँ पे मैंने फेस लगा लिया सक्सेसफुली फेस अनलॉक। यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं कितना तेज यहाँ पे फेस हमारा वर्क करता है। यहाँ पे लाइट अप मैं ऑन कर देता हूँ इसमें, ये आप देख सकते हो एक बार सर हिलाता है, ये देख सकते हैं एक बार मना करेगा फिर ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा स्लो लगा मुझे जो मैं 1+ की रोम का लाया था, उसको काफ़ी फास्ट है यहाँ पे फेस अनलॉक, ये आप देख सकते हो। बाकी एकदम से खुल जाना चाहिए पर एकदम से नहीं खुल पाता है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं आया अभी।
सेकंड स्पेस में इसमें बिल्कुल ओके वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं मिलने की आपको सेकंड स्पेस में। बाकी थोड़ा सा लैग होना, ज़्यादा लैग होने लग जाएगा, ये ध्यान रखना। डिस्प्ले में चलते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में रीडिंग मोड आपको मिल जाएगा, इसमें देखने रीडिंग मोड बिल्कुल ओके वर्क करता है, या आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, इतना ज़्यादा डार्क नहीं कर पाता बस, ये इसका ध्यान रखना। कलर स्कीम, यहाँ से कलर आप सैचुरेटेड स्टैंडर्ड ये सेट कर सकते हो ऑटोमेटिक, ये बिल्कुल ओके वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल बिल्कुल ओके वर्किंग है, आप देख सकते हो। बाकी इसकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस ब्राइट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राइट नहीं है इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस। मुझे थोड़ी सी लो लगी, मतलब बहुत ज़्यादा लो लग रही है, सनलाइट में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसका ध्यान रखना। डार्क मोड हमारा बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, वही फ़ॉन्ट आपको एक कोई आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, MI अकाउंट लॉगिन हो जाता है। बाकी पहले मैंने इंस्टॉल करी थी, पहले लॉगिन नहीं हो रहा था, तो उसे ध्यान रखना, क्लीन वाइप करना हमेशा। स्टेटस बार में चलते हैं, यहाँ पे स्टेटस बार में आपको स्टाइल मिल जाएगा, IOS स्टाइल आपको मिल जाएगा देखने के लिए, चेंज हो जाएगा अभी। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिम नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से स्विच होकर यहाँ पे आ चुका है, ये आपको मिल जाएगा स्टाइल इसमें देखने के लिए। या परसेंट भी आप सेट कर सकते हो, कितना आपको टेक्स्ट, कितना साइज़ चाहिए उसका, इसका कितना साइज़ चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। रोज़ और स्विच भी आप देख सकते हो, कितने आपको रोज़ चाहिए, कितने आपको QS पैनल में आपको वो चाहिए। ये उस वाले वह करेगा, दूसरा वाला सिंपल वाले पे शो LTE आपको मिल जाएगा, आप इंस्टेड ऑफ 4G शो कनेक्शन स्पीड आपको मिल जाएगा, ये आपको कनेक्शन स्पीड मिल जाएगा इधर देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देखते हो नेटवर्क आइकन आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा, वर्टिकली मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कौन सा आपको ठीक लग रहा है। यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल सेंटर नहीं चाहिए तो आप ये भी स्विच कर सकते हो, आप देख सकते हो आपको कंट्रोल सेंटर हट चुका है यहाँ पे। अब अगर आपको कंट्रोल सेंटर चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर सकते हो, स्विच कंट्रोल सेंटर लेफ्ट से राइट आप स्विच कर सकते हो। ब्लर इफेक्ट, अगर आपको ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए, ज़्यादा है बहुत कम, आपको बहुत कम लग रहा है ब्लर इफेक्ट, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, अपने देख सकते अपने हिसाब से बिल्कुल ओके वर्क करेगा। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में चलते हैं, यहाँ पे आपको फुल गेस्चर्स मिल जाएंगे देखने के लिए, पर ये वर्क नहीं करते, इसका आप ना लगाओ तो ज़्यादा ठीक है, वर्क नहीं कर रहे हमारे। मिरर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, मिरर बटन्स में वाइब्रेशन नहीं है इस वाले में। साउंड एंड वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं, वाइब्रेशन यहाँ पे साउंड हमारा काफ़ी लाउड मिल जाएगा आपको देखने के लिए। वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्क कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वाइब्रेशन में लोड भी बिल्कुल ओके वर्किंग है। एडिशन सेटिंग में आपको टैप साउंड मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, चार्जिंग साउंड बिल्कुल ओके वर्क है, वर्किंग है यहाँ पे। साउंड वैन फुली चार्ज आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ये देख सकते हो। बस थोड़ी सी शुरू में स्टार्टिंग में लेट रहती है, बाकी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। बैटरी एंड बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ, बैटरी इसमें इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलने की आपको, बैटरी ड्रॉप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है इस वाली रोम में, NSA वाली में, तो उसका ध्यान रखना। बैटरी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खास नहीं मिली मेरे को। स्क्रीन टाइम अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा, अभी मैंने फ्लैश करी है रोम, ये 6 मिनट हो चुके हैं यूज़ कर रहे वैसे। MI अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हो, गूगल अकाउंट में भी आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा तो आपको GMS फ्लैश करना पड़ेगा लेटेस्ट वाले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डाउनलोड्स का, तो आप देख सकते हो। अगर आपका GMS का लिंक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी और कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है इसमें देखने के, बाकी सेम ही सारे MIUI 11 वाले स्पेशल फीचर्स आप देख सकते हो, इतने आपको फीचर्स मिल जाएंगे देखने के लिए, इतने डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे एंटूथ बेंचमार्क भी टेस्ट देख लेते हैं, कितना आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, कितना आपको GPU में परफॉर्मेंस मिलेगा, गेमिंग में कितना परफॉर्मेंस मिलेगा, हीट कितना हुआ है आपका हमारा डिवाइस। 76474 मिल जाएगा आपको देखने के लिए। प्रोसेसिंग काफ़ी ठीक मिल जाएगी इसमें, GPU का थोड़ा सा लो है यहाँ पे, 75 तक हाईएस्ट गए आप, मैं 72 मिल जाएगा देखने के लिए। 75 GB जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी देखने के लिए। बाकी इसका भी ध्यान रखना, CPU भी कम होगा तो आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस या हीट हो सकता है डिवाइस। डाटा प्रोसेसिंग 1%, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है 39.7 तक, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट गया है टेम्परेचर, और 3% बैटरी ड्रॉप हुई है। मुझे बैटरी इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी इसी, यहाँ पे आपको गलत भी दिखा रहा है, 6100 mAh दिखा रहा है बैटरी, मुझे इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा खास लगी। इसमें आपको बग मिल जाएगा हार्डवेयर बटन्स का, मैंने सब देख लिया था, मिला था मेरे को ये फिक्स इसका। चलिए बस आपको अगर आपको फिक्स चाहिए तो आपको नेविगेशन बार ओपन करना पड़ेगा, तब भाई हार्डवेयर बटन वर्क नहीं कर देंगे आपके। चलिए इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।